चलिए तो आज फिर से कुछ एपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, फटाक से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इसके सॉल्यूशंस करते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या क्या रहा। इफ़ एंथ टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-10, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। यहाँ पे बेटा क्या दिया है, nth टर्म की आपको वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है बेटा, nth टर्म की वैल्यू दे रखी है। और कितनी है nth टर्म की वैल्यू है, यहाँ पे n टर्म की वैल्यू बेटा दी हुई है मेरी 4n-10। अब पूछ क्या रहा है, निकालना क्या हमें, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 16th टर्म निकालना है। तो देखिए निकालते कैसे, ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए nth टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4n-10। और n टर्म हम लोग एपी में लिखते कैसे, तो ऐसे लिखते हैं tn, यानी tn बराबर हमारी कितनी दे रखी है बेटा वैल्यू, 4n-10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4n-10। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो सिंपली सिंपल सी बात है, क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है बेटा। और हमें पहले में क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी क्या निकालना है बेटा, t1 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह क्या रख दो, 1 रखो, आपको सिंपली आराम से क्या मिल जाएगा, आपके फर्स्ट टर्म आ जाएंगे। तो हमने n की जगह जहां जहां n था वहां पे 1 रख लिया। और उसके बाद इसको क्या करोगे, जब आप सॉल्व करोगे, यानी 4 × 1 क्या होता है बेटा, 4 होता है, और -10 है तो -10। अब यहाँ पे माइनस जब 10 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। इसी तरह के आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, बस थोड़ी सी लॉजिकल होंगे, पूछे जाएंगे एग्जाम में, जहाँ पे आपको क्या होगा, 1 से 1.5 मिनट टाइम मिलेंगे और वहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या निकल गया बेटा, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वाली क्लास में बता रखा था बेटा, क्या कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एटलीस्ट 2 टर्म्स पता होने चाहिए। कितने टर्म पता होने चाहिए बेटा, 2 टर्म्स, तभी तो क्या करोगे उन दोनों को आपस में, जैसे कि कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था भाई, d = a2 - a1 होता है, तभी तो करोगे ना। यहाँ पे तो हमें सब सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म पता है, सिर्फ सिंगल टर्म पता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ से फिर इसी प्रोग्रेशन की मदद से सेकेंड टर्म भी निकाल लेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस के लिए एटलीस्ट हमें 2 टर्म्स नोन होना जरूरी है। तो चलिए सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, यानी n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हर जगह क्या करो बेटा, ये 4n है ना, n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो देखिए 4 लिखा, n की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म हमें निकालना है। तो 4 × 2 और -10, इससे आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपको सेकंड वाली यानी दूसरी टर्म मिल जाएगी। सेकंड टर्म की क्या वैल्यू होगी, यानी सेकंड टर्म कौन सा होगा, वो मिल जाएगा आपको। तो t2 = लिखा 4 × 2 - 10 करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 8 - 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 - 10, एंड व्हेन यू subtract 8 from 10, it will become what? It will become 2, and किसकी साइन रखेंगे बेटा, बड़े बड़ा कौन है, 10 है, इसकी साइन क्या, -2 हो जाएगी। ये आपको क्या मिल गया बेटा, ये आपको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, आपको इस प्रोग्रेशन के एज पर दिस प्रोग्रेशन आपको उसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपको क्या हो गया, मिल गया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तब हम जब हमें 2 टर्म मिल गया तो उनको आपस में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करते हैं, सेकेंड टर्म वाले को फर्स्ट टर्म वाले से सेपरेट कर दो, यानी प्रीसीडिंग एक टर्म को लेकर उसके प्रीसीडिंग वाले टर्म से क्या कर लो बेटा, सेपरेट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों टर्म को आपस में माइनस करना होगा, दूसरे वाले को यानी t2 को क्या करना होगा, t1 से माइनस करना होगा। तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगी। यानी t2 की वैल्यू है कितनी, -2 है। कितनी है बेटा, -2 है। और t1 की वैल्यू कितनी आई हमारी, यहाँ पे देखो t1 की वैल्यू आई है -6 आई है। कितनी आई है बेटा, -6 आई है। यानी हमको क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ माइनस लिखा। और t2 की वैल्यू या t1 की वैल्यू क्या है, -6 है। अब आपस में इन लोगों को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली इट विल बिकम, देखो ये -2 और -(-) क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी +6 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी हमारी कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ रखी है, निकाल रखी है हम लोगों ने, क्या आई है, -6 आई है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कह रहा है कि फाइंड इट 16th टर्म। क्या निकालना है, 16वां टर्म निकालना है इस प्रोग्रेशन के हिसाब से। तो इस प्रोग्रेशन के हिसाब से इसका फर्स्ट टर्म तो हम लोगों ने निकाल लिया, -6 होगा। कॉमन डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, 4 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। अब कह रहा है 16th टर्म निकालने को, तो चलिए फटाक से 16th टर्म भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां तक होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या निकालना है बेटा, 16th टर्म। तो आपको पता है 16th टर्म यानी nth टर्म की जो फार्मूला होता है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है, जो भी nth टर्म या जो भी टर्म हमें निकालना होता है उसका क्या है फॉर्मूला है, वो क्या है बेटा, तो nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है क्या, tnth = होता है a+n-1 × d करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे nth टर्म की जगह हमें कौन सा टर्म निकालना है, 16th टर्म निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, ct 16th लिखेंगे, और n जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 16 रखेंगे। तो देखो 16 - 1 × d हो जाएगी। अब ऑलरेडी हम लोग ने क्या निकाल रखा है बेटा, a की वैल्यू निकाल रखी है। a की वैल्यू मतलब क्या, a हियर इट इज फर्स्ट टर्म। तो a फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई है, -6 आई है। तो a की जगह -6 रख लेते हैं,
16 माइनस 1 करोगे तो ये बेटा हो जाएगा 15 हो जाएगी। ये d की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा, d की भी हम लोगों ने वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाली है। d की मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहां पे क्या आ रखी है, 4 आ रखी है, तो यहां 4 रख देंगे d की जगह। आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अगेन ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 60 में से 6 माइनस करोगे तो फाइनली इट विल बिकम 54, यानी हमारी क्या आ गई बेटा 50, यानी हमारी क्या आ गई 16th टर्म की वैल्यू आ गई, यानी 16वें टर्म की वैल्यू क्या होगी हमारी 54 होगी। कितनी होगी 54, तो आपको एज ए ऑप्शन यहां भी ये तीनों आपको एज ए ऑप्शन आपको दिखाई दे, वहां आप टिक लगा लोगे, बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। यानी फर्स्ट टर्म आपका क्या आ रहा है माइनस 6, कॉमन डिफरेंस 4, एंड 16th टर्म क्या आ रहा है बेटा, 16th टर्म आ रहा है 54, यानी 16th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 54 आ रही है। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, और एपी यहाँ दे रखी है, एपी यहाँ पे क्या रखी है दे रखी है, यानी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि इस एपी जो यहाँ पे एपी आपका दिख रहा है, जाहिर सी बात ये प्रोग्रेशन क्या है एपी में, तो कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जीरो हो। यानी हमें क्या पता करना है कि ऐसा टर्म पता करना है इस एपी का जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो होनी चाहिए। तो वो तो टर्म हमें पता नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे, तो देखिए करते कैसे ये देखिए। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसको मान लेते हैं, कुछ क्या मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि इस एपी का वो क्या था जिसकी वैल्यू जीरो, वो nth टर्म है, तो मान लेते हैं लेट क्या बेटा, तो लेट इट्स nth टर्म, इट्स का मतलब इस एपी का nth टर्म, लेट इट्स nth टर्म क्या, इस nth टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। इस एपी का nth टर्म को मान लिया कि वो इस एपी का nthवां टर्म होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने मान लिया कि जीरो होगी। यानी कहने का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि tn बराबर क्या मान लिया, जीरो मान लिया, क्या मान लिया tn बराबर जीरो। अब जैसा कि आपको पता है tn इक्वल टू होता है क्या, tn का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो हो गया। tn मतलब होता है क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बराबर जीरो, तथा इक्वल्स टू हमने क्या कर लिया, जीरो कर लिया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको वो टर्म पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या है 72, तो ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा 72 रखेंगे। अब एन ही तो पता करना है कि वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जीरो हो, तो यहाँ एन की जगह एन रखा माइनस वन, तो माइनस वन रखा। अब डी निकालना है, डी का मतलब बेटा होता है क्या, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं किसी भी टर्म के उसके प्रीसीडिंग टर्म वाले टर्म से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये 60 का प्रीसीडिंग टर्म क्या ये है, तो 60 माइनस 64 करोगे तो भी मिल जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस, या 64 का प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब बेटा मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि उसके पिछले वाले टर्म को क्या कर दो, उससे माइनस कर दो। जैसे 68 का पिछला टर्म क्या है, इसके पीछे वाला टर्म क्या 72 है, यानी 68 में से 72 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सिंपली अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो ये फॉर्मूला याद कर लो, डी इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से क्या कर लो, माइनस कर लो, तो आपको कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले यहां पे देखो D2 क्या है, यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 का मतलब क्या, सेकंड टर्म, यहां सेकंड टर्म क्या है इस एपी का 68 है, तो यहां A2 की जगह 68 रख लिया, माइनस था तो माइनस कर लिया। फिर देखो A1 का मतलब बेटा वहां पे क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की यहां पे वैल्यू क्या है 72 है, तो यहां रख लिया मैंने 72। अब इसको आपस में क्या कर लो, सबट्रैक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा, इट विल फाइनली बिकम -4, यानी डी की वैल्यू हमारी यहां पे बेटा क्या आ रही है -4 आ रही है, तो इस डी की जगह क्या रख लेंगे -4, और ये ऑलरेडी दिए रखा है इक्वल्स टू 0, तो 0 कर लिया। अब इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है, तो सॉल्व करता हूं, 72 लिखा, -4 इनटू n करेंगे तो क्या हो जाएगा -4n हो जाएगा, माइनस इनटू माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, 4 इनटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी 72 प्लस 4 करेंगे तो बेटा फाइनली इट विल बिकम 76 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -4n दिया था इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या करो बेटा, जब ये 76 को जीरो साइड ले जाओगे तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा सिर्फ -4n बचेगा जब 76 को उस साइड ले जाएंगे, और जब उस साइड ले जाओगे 76 को तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -76 हो जाएगा। अब यहाँ देखो सिंपली ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा क्या आ गया बेटा 4n बराबर क्या आ गया बेटा 76 आ गया। अब n देखो 4n का मतलब क्या 4 into n, यानी 4 इधर 4 क्या है इधर n के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी 76 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 4
4 9 36 यानी n की वैल्यू क्या आ रही है 19 आ रही है, यानी 19th टर्म यानी 19वां टर्म ऐसा होगा जो इस एपी का जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो होगी। इस एपी का 19th टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी क्या होगी जीरो होगी, यानी n इज इक्वल्स टू 19 इज योर आंसर। यानी कहने का मतलब है देयरफॉर 19th टर्म क्या 19th टर्म बराबर क्या होगी यानी 19वां टर्म बराबर क्या होगा जीरो होगा, यानी 19वां टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा इक्वल्स टू जीरो होगी। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्वेश्चन समझिएगा। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म, और एपी यहाँ पे क्या रखी है दे रखी है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से समझ लो बेटा, कह रहा है कौन ऐसा टर्म होगा इस एपी का, जो कि एपी यहाँ पे दिया है ये सारे टर्म्स क्या है प्रोग्रेशन में यानी एपी में है। तो कह रहा है क्या बेटा कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो अपने 40 इसी एपी के 41st टर्म से 72 मोर देन हो यानी 72 ज्यादा हो, यानी हमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जो अपने इस वाले एपी के 41st टर्म से कितना ज्यादा हो 72 मोर देन हो यानी 72 ज्यादा हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो बेटा, अभी तो हमको 41st टर्म ही नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 41st टर्म निकालेंगे। तो आपको पता है कि अगर कोई भी एपी गिवन है यानी कोई भी एपी दे रखी हो तो उसका nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको सभी को पता है कि nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको एक थ्योरम बेस्ड फार्मूला होता है जिसका वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसी इस्तेमाल करके इसको क्या कर लेते हैं वो nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है tn = बेटा क्या होता है a + n - 1 * d होता है। समझ आई बात, होप सो कि आप लोगों को आ रही होगी। अब हमें यहां पे tn यानी nthवां टर्म यानी n टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो, कोई भी अगर एपी दी है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे भी हम लोग इसी फार्मूला का क्या करेंगे इस्तेमाल करके क्या करेंगे सबसे पहले 41st टर्म निकालेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को 41st ही टर्म नहीं पता तो आगे की चीज हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या करेंगे 41st टर्म फाइंड करेंगे यानी क्या t41 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा t41 फाइंड करेंगे यानी t41 माने कहने का मतलब है कि 41st टर्म जो होगी यानी 41वां टर्म की क्या यहां से क्या करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे बेटा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फटाक से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां a का मतलब बेटा क्या होता है फर्स्ट टर्म, और यहां फर्स्ट टर्म आपका क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, a की जगह 8 रख लिया। n माइनस 1 यानी हमको n मतलब क्या कि वो टर्म जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो n की जगह रखते हैं। तो किसकी टर्म फाइंड करनी थी भैया 41st टर्म की, तो यहां 41st लग लिया यानी 41वां लिख लिया, 41 लिख दिया, 41 लिख लिया, माइनस 1 तो माइनस 1 कर लिया। d मतलब बेटा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते तो आप सभी को पता है d इज इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1 होता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी टर्म हो उसके प्रीसीडिंग वाले यानी उसके पिछले टर्म वाले से उस टर्म को माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी a2 का मतलब बेटा यहां पे क्या है सेकंड टर्म है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। तो सेकंड टर्म की यहां पे वैल्यू क्या है बेटा 14 है, तो यहां 14 रखा, फर्स्ट टर्म क्या है 8 है तो यहां पे माइनस 8 कर लिया। जब करोगे तो फाइनली इट विल बिकम व्हाट, फाइनली इट विल बिकम 6 यानी कॉमन डिफरेंस जो d है उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 6 आ रही है। तो d की जगह हम लोग क्या रख लेंगे 6 रख लेंगे। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो जो 41st टर्म होगा उसकी क्या वैल्यू होगी वो यहां से हमें निकल जाएगी। तो देखो ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, ऐसा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी हम लोग को तो अभी तो पता ही नहीं कि 41st टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसमें ऐड कर लेंगे तो एक नई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे इसी के हेल्प से क्या कर लेंगे पता कर लेंगे कि वो वैल्यू किस टर्म की होगी। और वही टर्म तो हमें यहां पे क्या करना फाइंड आउट करना है, कह भी रहा है क्या कि वो टर्म बताइए जो अपने 41वां टर्म से यानी 41st टर्म से कितना ज्यादा हो 72 ज्यादा हो। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहां पे 41st टर्म निकालना है। तो वही मैं यहां पे क्या कर रहा हूं आपको फाइंड आउट कर रहा हूं। अब यहां पे सिंपली क्या करोगे 8 लिखा, यहां पे देखो ये जब करोगे 41 माइनस 1 करोगे क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 40, और 40 * 6 करोगे तो फाइनली इट विल बिकम, यहां तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब यहां से देखो 8 है तो 8 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 40 * 6 करोगे तो हो जाएगा बेटा ये 240 हो जाएगा, 6 4 24 10 यहां लगा दिया। अब फाइनली जब इसको ऐड करोगे तो इट विल बिकम 248 यानी हमारा 41st टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या होगी 248 होगी। अब हमें क्या निकालना था बेटा फिर से एक बार क्वेश्चन, हमें ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है पता करना है जो अपने 41वां टर्म यानी 248 से 72 ज्यादा हो, 248 से 72 क्या यानी 72 क्या हो बेटा ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करें यानी हमको जो रिक्वायर्ड टर्म चाहिए यानी क्या जो हमें रिक्वायर्ड टर्म चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 41st टर्म वाले की वैल्यू से कितनी ज्यादा होनी चाहिए 72 होनी चाहिए, और 41st टर्म वाले की वैल्यू कितनी आ रही है 248 आ रही है। बात समझ में आ रही है यानी 241st वाले टर्म से कितनी ज्यादा हो बेटा 72 ज्यादा हो, कितनी ज्यादा हो 72 ज्यादा, यानी t41 की वैल्यू हमारी आ कितनी रही है 248 आ रही है। तो t41 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे बेटा
क्या रख लेंगे बेटा 248 रख लेंगे और उसमें ऐड कितना करेंगे 72 करेंगे। जब ऐड करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, आप जब ऐड करोगे देखो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 होता है, 10 का 0 हो गया, 7 प्लस 4 करेंगे 11 है, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा और 2 प्लस 1 कितना 3। यानी हमें ऐसा टर्म हमें इस एपी की फाइंड करनी है बेटा जिसका जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 320 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया 320 होनी चाहिए। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो सिंपली क्या करेंगे बेटा TN बराबर क्या करके लेंगे, TN बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 320 रख के क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आपको वो टर्म पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी इस वाले 41st टर्म से 72 ज्यादा होगी। यानी TN बराबर 320 रख के क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है। तो फटाक से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया। यानी TN बराबर 320 रख के आप सॉल्व कर लो, आपको n की वैल्यू यानी वो टर्म पता चल जाएगा कि वो कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी इस वाले 41st टर्म से 72 ज्यादा होगी। तो चलिए TN बराबर 320 रख के क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यानी TN बराबर 320 रखेंगे, TN इक्वल टू होता है क्या बेटा a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। बराबर कितना करना है 320, क्योंकि यहाँ पे 320 बराबर हमने किया है। अब a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू आप सभी को दिख रहा होगा 8 है और n ही तो फाइंड करना है। वो एज वो टर्म हमको क्या करना है, n का मतलब क्या होता है बेटा, n वो टर्म होता है और उसी टर्म को फाइंड करना है जिसकी वैल्यू कितनी होनी किसके बराबर होनी चाहिए 320 के। क्योंकि 320 के जब बराबर करना है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 341 की जो वैल्यू आ रही है 248 उसमें 72 ऐड करने पे कितना 320 आ रहा है। यानी हमको वो वैल्यू पता चल जाएगी, यानी वो टर्म पता चल जाएगी जिसकी वैल्यू क्या हो 320 हो, और जिसकी वैल्यू 320 होगी वो क्या होगी अपने 41st टर्म से 72 ज्यादा होगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आपको यहां पे। तो ऐसे करके हम लोग को क्या कर लेना है यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो फाइनली चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी वो टर्म पता चल जाएगा जिसकी जो क्या होगा बेटा अपने 41st टर्म से 72 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या है कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी डी छूट गया, डी बराबर कितना होगा बेटा, डी बराबर हमारी 6 आई है, ये हमने क्या कर लिया 6 रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं 8 हो गया, 6 इंटू n करेंगे तो बेटा 6n हो जाएगा, 6 इंटू 1 करोगे 6 हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 क्या हो गया 320 हो गया, 320 रख लिया। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 6 माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 320 हो गया। अब इस 2 को इस साइड ले जाओगे तो इधर प्लस में इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी फाइनली क्या हो जाएगा इट विल बिकम 6n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 320 माइनस 2। जब 320 माइनस 2 करोगे तो फाइनली इट विल बिकम 318, यानी 6n बराबर क्या हो जाएगा 318 आ जाएगा। यानी हमारा क्या आ गया बेटा 6n बराबर आ गया 318 आ गया। अब n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इधर 6n के साथ मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो बेटा डिवीजन में हो जाएगा, यानी 318 बाई 6 हो जाएगा। अब यहां से काट लो 6 5 30 होगा, 1 कैरी 18 फिर हो गया, 6 3 18 यानी n की वैल्यू आ गई, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो गया 53 हो गया। यानी 53rd टर्म होगा इस एपी का, ऐसा टर्म होगा 53वां ऐसा टर्म होगा, यानी 53rd टर्म होगा ऐसा इस एपी का, इस जो एपी यहां पे दिया है जो अपने 41st टर्म से क्या होगी 72 क्या होगी बेटा ज्यादा होगी। यानी जो हमारा आंसर आया यहां पे वो क्या आ गया बेटा n इज इक्वल टू 53। तो जो आपको एज ए ऑप्शन MCQs में अगर n इज इक्वल टू 53 जहां दिखेगा आप वहां पे इसको क्या कर लोगे बेटा सिंपली क्या कर लोगे वहां पे टिक लगा लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 53rd, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि देयरफॉर 53rd टर्म क्या होगा, 53rd टर्म बेटा क्या होगा विल बी क्या 72 मोर देन क्या बेटा 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। गॉट इट, होप सो कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा समझिएगा। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म फाइंड द एपी। हमें यहाँ क्या फाइंड करनी है बेटा, तो हमें यहाँ पे एपी फाइंड करनी है, हमें ऐसी एपी फाइंड करनी है जिसका 10th टर्म यानी जिसकी 10th टर्म की वैल्यू क्या है बेटा 52 है, और क्या कह रहा है जिसकी 17th टर्म यानी उस एपी का 17th टर्म क्या है 20 मोर है यानी 20 ज्यादा है किससे बेटा, तो अपनी 13th टर्म से। यानी हमें क्या फाइंड करनी है, हमें एपी फाइंड करनी है, उसी के लिए क्या गिवन दिया है यहाँ पे हमें, तो हमें बोल रहा है क्या कि 10th टर्म जो है एपी का यानी जो 10th टर्म होगा यानी 10th जो टर्म होगी एपी की उसकी वैल्यू क्या बता रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी वैल्यू 52 है। और क्या कह रहा है एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म, और क्या कह रहा बेटा जो 17th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी बेटा 20 ज्यादा होगी किससे, उसके 13th टर्म वाले के वैल्यू से। बात समझ में आ रही है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो ये देखिए, तो आप सभी को पता होगा जो nth टर्म निकालते हैं बेटा उस nth टर्म का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो यहां देख लो
टी एंथ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यानी टी एंथ का मतलब हो गया, जो भी टर्म निकालना होता है हमें क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले के हेल्प से क्या करते हैं, उस टर्म की वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज कर लो अगर हमें टेंथ टर्म निकालना होगा, दसवां टर्म निकालना हो, तो कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टी टेन लिखते हैं, यानी जहाँ जहाँ एन होता है वहाँ पर हम लोग क्या कर रख देंगे, टेन रख देंगे। तो यानी यहाँ पे ए था, ए प्लस लिखा है, यानी टी दसवां टर्म निकालना है, तो एन की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, टेन रखेंगे। यहाँ रखा टेन माइनस वन इंटू डी कर दिया, जब टेन माइनस वन इंटू डी किया उसके बाद क्या करना होगा, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 1 करोगे बेटा 9 हो जाएगा, और 9 इंटू डी करोगे तो 9d हो जाएगा, यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा, a प्लस 9d बन जाएगा। बट यहां पे क्वेश्चन में आप देखो तो आपको दे रहा है क्या बेटा कि 10 टर्म की वैल्यू क्या बता रहा है कि 52 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो हमने बेटा यहां पे लाया हुआ है a और d के फॉर्म में, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल्स टू 52। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि 10 टर्म की जो वैल्यू है वो 52 है, और हमने जो 10 टर्म की वैल्यू यहां निकाली है a और d के फॉर्म में वो क्या आ रही है, a प्लस 9d आ रही है, यानी ये जो a प्लस 9d होगा मस्ट बी इक्वल्स टू 52। तो यहां हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको 52 के बराबर कर लेंगे। ये आपकी क्या आ गई, पहली रिलेशन आ गई a, ये पहला इक्वेशंस कह लो या पहली रिलेशन आ गई a और d के बीच में। बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने बेटा 10 टर्म निकाला वैसे ही हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 17 टर्म निकालेंगे और 13 टर्म निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये भी समझ लो, क्योंकि हमें ap फाइंड करना है, और ap फाइंड करने के लिए हमें दो चीज का नोन होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वो क्या है बेटा, पहला तो है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है, नहीं नोन है, तो आप एपी नहीं बना पाओगे या एपी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इस n टर्म की मदद से हम दो रिलेशन बनाएंगे, उस दो रिलेशन को सॉल्व करने के बाद हमें d की वैल्यू मिलेगी, और जो d की वैल्यू मिलेगी आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। जब a और d की आपको वैल्यू मिल जाएगी, देन आप आसानी से क्या कर सकते हो, वो ap बता सकते हो, जिसकी 10 टर्म की वैल्यू 52 है, और जिसके 17 टर्म क्या होगा अपने 13 टर्म से ज्यादा, कितना होगा 20 ज्यादा होगा, वो हम लोग ap फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे हम लोग ने बेटा यहां पे t10 निकाला है वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे T17 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, T17 निकालेंगे। तो चलिए T17 भी निकाल लेते हैं। तो T17 का मतलब क्या हुआ, मैंने यानी इस वाले फॉर्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, जहां जहां n आपको दिखेगा वहां पे क्या कर लेना, हमें 17 रख लेना है। तो आपको a और d के फॉर्म में एक नया रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं फटाक से, तो T17 निकालते हैं। तो T17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, a प्लस, और n की जगह में क्या रखना है 17। क्यों? क्योंकि 17th टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको यहां से 17th टर्म की वैल्यू a और d के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बेटा। जब ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे बेटा, तो 17 माइनस 1 कितना होता है 16, और 16 इंटू डी करोगे तो 16d हो जाएगा, यानी फाइनली इट विल बिकम a प्लस 16d हो गया। अगेन फिर इसी तरीके से, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 13 टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, 13 टर्म। यहां पे हम a और d के बीच में क्या बेटा, यहां पे एक रिलेशन बन रहा, उसी रिलेशन को सॉल्व करके यहां पे हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे। और वो d की रिलेशन, a और d के बीच में रिलेशन कैसे बनेगी बेटा, जब हम इसके 17 टर्म को फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a और d, उसी तरीके से इसके 13 टर्म को भी फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ a प्लस a और d के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे 13 टर्म लिखा, T13। तो कैसे निकालते भैया, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालते हैं। आप सभी को पता है कि जो भी 5th टर्म, 6th टर्म, चाहे 100 टर्म या 13 टर्म, जो भी निकालना होता है, ये फॉर्मूला हमें क्या है, थ्योरम बेस्ड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो टर्म, किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ T13 निकालेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, a प्लस n, n की जगह क्या रखना भैया, 13 रखना है। तो यहाँ रखा 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि a और d की अभी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम a और d की वैल्यू नहीं रख सकते, बट एक रिलेशन तो हम बना ही सकते हैं। यानी हम T13 की या T17 की या T10 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ a और d के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वही मैं निकाल रहा हूँ। तो T13 की वैल्यू क्या आ जाएगी a और d के फॉर्म में बेटा, तो यह देखो a प्लस, ये करो 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू डी क्या हो जाएगा बेटा, 12d हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 12d हो जाएगी। तो ये सारी आपको यहां पे दिख रहा होगा, T10, T17, T13 की हम लोग ने वैल्यू निकाल रखी है, किसके रूप में, तो a और d के फॉर्म में, a और d के फॉर्म में हमने निकाला। देखो T17 की यहां पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, a plus 16d आ रही है। यहां पे उसी तरीके से T13 की वैल्यू कितनी आ रही है, a plus 12d आ रही है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो क्वेश्चंस कह रहा है, उसी क्वेश्चंस को जो कह रहा है उसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, उसी रिलेशन को सॉल्व कर लेना है। सिंपली आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही d की वैल्यू आएगी बेटा, उस d की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में या इस वाले रिलेशन में आप रख दोगे, आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो चलिए फटाक से करते हैं, क्या करेंगे भैया, जो क्वेश्चंस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहां पे एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से करते हैं इसको।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, कह रहा कि जो 17 टर्म है वो क्या है 20 मोर है, यानी जो 17 टर्म वाले की वैल्यू होगी, यानी कहने का मतलब है जो टी 17 है बेटा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है 20 ज्यादा है किससे, तो अपने 13 टर्म से, यानी जो 13वां टर्म होगा यानी जो 13 टर्म होगा उसकी वैल्यू से 17 टर्म वाले की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी 20 ज्यादा होगी। तो अगर इसके अंदर हम यहां पे 20 ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर देखो ये क्या कितना ज्यादा था 17 वाला 17th टर्म की जो वैल्यू बता रहा है जो होगी वो क्या होगी 13 टर्म वाले की वैल्यू से कितनी ज्यादा होगी बेटा 20। तो अगर 13 टर्म वाले में क्या कर दें 20 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अब इस रिलेशंस का हम क्या करेंगे बेटा, इसी रिलेशंस का इस्तेमाल करके सॉल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फटाक से ए और डी की वैल्यू इस रिलेशन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। होप सो कि आप लोग को यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फटाक से इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जैसा कि आपको देख रहा होगा बेटा यहाँ पे टी 17 की मैंने वैल्यू निकाल रखी है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी। तो टी 17 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने निकाल रखी है, तो इसको क्या कर लेना है टी 17 की जगह पुट कर लेना है। तो टी 17 की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारी a plus 16d आई हुई है। तो हमने रख लिया टी 17 की जगह a plus 16 equals to रखा। अब टी 13 की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपको टी 13 दिख रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी बेटा a plus 12d आ रही थी। तो यहाँ मैंने रख लिया a plus 12d रख लिया, और प्लस क्या करना है 20 करना, हमने 20 प्लस कर लिया। अब यहाँ से देखो इधर a इधर है, दोनों सेम साइड, दोनों देखो अदर साइड्स में है, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में जो a आपको दिख रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बच रहा है बेटा सिंपली 16d बच रहा है। अब ये प्लस 12d है, इसको इस साइड लाओगे 16d की साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12d से बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 12d हो जाएगा, यानी 16d माइनस 12d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनली 20 हो जाएगा। अब जब आपको 16d में से 12d निकाल दोगे तो ये कितना बच जाएगा बेटा 4d बच जाएगा, यानी 4d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका यहां पे। अब सिंपली यहां से हम लोग क्या कर लेंगे d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × d, यानी 4 और d के बीच में रिलेशन किसका है बेटा मल्टीप्लिकेशन का, तो 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, यानी फाइनली 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20, यानी देयरफॉर हम लोग के पास क्या आ गई d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई। अब इस d की वैल्यू को बेटा क्या कर लेना हमें इस इक्वेशंस में यानी इस रिलेशन में पुट कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिक a की वैल्यू पता चल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके की एपी फाइंड आउट करनी है तो वो दो चीज आपको जानना या नोन होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, पहला है फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस। तो वही फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे रिलेशन बनाया है ए एंड डी के बीच में, बात समझ आया, यानी ए और डी के फॉर्म में, और उसी को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सिंपली ये डी की वैल्यू को क्या कर लेना है इस वाले रिलेशन या इक्वेशन में क्या कर लेना है पुट कर लेना, आपको क्या मिल जाएगी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए फटाक से क्या करते हैं इसको पुट करते हैं किसमें, इस वाले इक्वेशन में। तो चाहो तो यहाँ लिखना, चाहो तो चूंकि मैंने इसको फर्स्ट बोला है तो लिखेंगे क्या बेटा यहाँ पे लिख लो आप चाहो तो putting d is equals to 5 in first, क्या putting d is equal to 5 in first what we get let's see। तो जब यहां पे क्या करेंगे बेटा इस वाली इक्वेशन हम लोग को क्या रखना है d की जगह क्या रखना है 5 रखना है। तो देखिए यहां पे लिखा a की जगह a लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 9 है तो 9 लिखा, d की जगह मैं क्या लेना है भैया 5, तो 9 into 5 हो गया equals to कितना करना है 52 करना है। अब यहां से देखिए बेटा 95 का कितना होता है 45 होता है, तो ये 45 हो गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52 हो गया। अब इधर प्लस में है 45, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी फाइनली a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 52 माइनस 45। और जब 52 माइनस 45 करोगे तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी बेटा, आपको a इज इक्वल्स टू 7 मिल जाएगी, यानी हमें बेटा क्या मिल गया a की भी वैल्यू मिल गई। अब जब हमें d और a की वैल्यू मिल गई तो हम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं ap फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें ap ही तो कहा है यहां पे फाइंड आउट करने को। तो चलिए अब क्या करते हैं ap बना लेते हैं, यानी हमारा क्या हो गया वो ऐसी ap हमें मिल गई जिसकी 17 टर्म, जिसका 17 टर्म बेटा क्या है 13 टर्म से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो वो ap कौन सी होगी। अब यहां पे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, तो वो ap कौन है बेटा, तो यहां पे लिखोगे therefore APR या AP लिख दो, AP ऐसे करके डैश दो। देखो A मतलब क्या बेटा, A मतलब फर्स्ट टर्म थे, यानी फर्स्ट टर्म में क्या लेना है 7 लेना है। अब कह रहा है कि जो भी नेक्स्ट टर्म होगा वो 5 की डिफरेंस पे होगा फर्स्ट टर्म से, यानी 5 की डिफरेंस पे जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो कौन होगा 12 होगा, नेक्स्ट वाला कौन होगा बेटा 17 होगा, उसके बाद कौन सा होगा बेटा 22 होगा, उसके बाद कौन सा होगा 27 होगा, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड AP थी ये आ गई, जिस अब इसी AP का जो बेटा, इस AP का जो आप 17 टर्म निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या कि उसके
अपने इसी एपी के 13 टर्म से 20 ज्यादा आपको मिलेगी। यानी हम लोग ने ऐसी एपी फाइंड आउट कर ली है जिसका 17 टर्म अपने 13 टर्म से कितना ज्यादा है बेटा, 20 ज्यादा है। तो होप सो कि ये आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। तो आपको एज ए ऑप्शन जहां भी इस टाइप की एपी देखेगी उस पर आप क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो, आपका आंसर 100% करेक्ट एंड एग्जैक्ट होगा। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा समझिएगा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, और एपी यहाँ पे दे रखी है। इस बार हमें क्या निकालनी है बेटा, इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है। क्या निकालना है, इस एपी का मिडिल टर्म निकालना है। तो जैसा कि इस एपी में आपको दिख रहा होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटा, यानी A1 क्या दे रखा है बेटा, A1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 है। इसी तरीके से इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप सभी को पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म को क्या कर दो, फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी A2 माइनस A1 करने से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। A2 का मतलब क्या है, यहां पे सेकंड टर्म क्या है बेटा, यहां पे तो 13 है, यानी 13 माइनस क्या कर लेना है, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है यहां पे बेटा, 6 है, यानी 13 माइनस 6 आप करोगे तो इस एपी की कॉमन डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगी, यानी क्या आ रही है बेटा, 7 आ रही है। अब चूंकि यहां पे गौर से देखो तो इस एपी के अंदर यहां तक तो हमें टर्म्स दिख रहा है, बट इस बीच में देखो तो ये डॉटेड लाइन है, यानी इस बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी में ये हमें नहीं पता। तो जब हमें इस एपी में बीच में, चूंकि यहां पे डॉटेड का मतलब यही है कि यहां पे बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ टर्म्स है, बट हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको कुछ मान लेते हैं कि इस वाले एपी में कितने टर्म्स हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं बेटा, मान लेते हैं। तो मान लो कि लेट द गिवन एपी, क्या मान लेते हैं, लेट द गिवन एपी कंटेन एन टर्म्स। कितने टर्म कंटेन करते हैं, एन टर्म्स क्यों माना, क्योंकि हम पे यहाँ पे इस एपी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बीच में डॉटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे भी बहुत ढेर सारे टर्म्स हैं बट वो टर्म्स हमें नोन नहीं है। तो हमने इसीलिए क्या कर लिया कि जो ये गिवन एपी है, हमने मान लिया कि कंटेन करते हैं एन टर्म्स। कितने कंटेन करते हैं टर्म्स, तो एन टर्म्स कंटेन करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये गौर से दिख रहा होगा कि जो इस एपी का लास्ट टर्म है वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 216 है। और याद रखिएगा, जब भी अगर आपको एपी का लास्ट टर्म दिया हो और एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप जहां बीच में कोई टर्म्स दिया हो चाहे ना दिया हो, आप पता कर सकते हो कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। वो कैसे पता करते हैं बेटा, तो सिंपल सी बात है, TN बराबर क्या कर दो, जो लास्ट टर्म की वैल्यू है उसको इक्वल कर दो TN बराबर, यानी TN इक्वल टू 216 कर दो, और इसको सिंपली हम जब सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहां से निकल जाएंगे। चूंकि मैंने माना है कि इस गिवन एपी में कितने टर्म्स कंटेन कर रहे हैं n, तो TN बराबर क्या कर लो आप, 216 रख लो, आप इसको सॉल्व कर लो। और TN का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा क्या होता है, a plus n minus 1 into d हमने किया equals to क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, क्योंकि equals to क्या था, 216 था। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, आपने a इस ap की, इस ap में a मतलब क्या होता है बेटा, first term, इस ap में first term कौन सा था, 6 है, तो a की जगह हम लोग क्या रख लेंगे, a की value रख लेंगे, यानी 6 रख लिया। n तो हमें निकालना है, n यहाँ पे क्या है बेटा, ये number of terms है, यही तो हमें निकालना है, तो n minus 1 ऐसे के ऐसे ही रखा। अब d यहाँ पे, d का मतलब क्या, common difference, common difference इस ap का क्या आया बेटा, 7 आया है, तो d की जगह हमने 7 रख लिया, बराबर क्या कर लो, 216 कर लो। अब यहां से सिंपली सॉल्व कर लो कि जैसा आपको पता ही होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 7 इंटू n करोगे तो ये हो जाएगा 7n, उसी तरह 7 इंटू 1 करोगे तो हो जाएगा 7, साइन माइनस है तो -7 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फाइनली, इट विल बिकम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 216 हो जाएगा। अब अगेन यहां से क्या करना है बेटा, यहां पे देखो ये 6 है और ये कांस्टेंट है 6, और ये 7 भी कांस्टेंट है, इन दोनों को देखो, इन दोनों के बीच में साइन क्या, माइनस है, इसकी साइन क्या, प्लस है, तो प्लस माइनस बेटा क्या होता है, माइनस होता है, इन दोनों को क्या करो, माइनस करो, जब प्लस 6 में 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, -1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहां पे क्या दे रखा है, +7n दे रखा है, +7n रख दिया, इक्वल्स टू क्या कर दिया, 216 के बराबर कर लिया। अब यहां से देखो बेटा क्या करना है, ये -1 है, ये कांस्टेंट है, और 216 उस साइड में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को दोनों को एक साइड कर लो, जब ये माइनस इस साइड जाएगा 216 के साइड जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी फाइनली 7n बराबर क्या हो जाएगा, 216 प्लस 1 हो जाएगा। अब 216 प्लस 1 करोगे तो फाइनली इट विल बिकम 217, यानी 7n इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 217 आ गया, और 7 इंटू n करने पे 7n होता है, यानी 7 का n के साथ मल्टीप्लाई में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 217 डिवाइडेड बाई
7 हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो बेटा 7 3 21 7 7, देयरफॉर हमारी क्या निकल गई बेटा, एन की वैल्यू निकल गई। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी इस एपी में अब हमें क्या पता चल गया बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया, यानी इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 31, कितने हैं बेटा, तो 31 टर्म्स हैं। अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया बेटा, अब इसमें मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, पहले मिडिल मोस्ट टर्म हमको निकालना क्या था कि मिडिल टर्म निकालना था, जो बीच वाला टर्म क्या होगा, तो बीच वाले टर्म को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी याद रख लीजिए, जब भी आपसे मिडिल टर्म निकालने को कहे तो आप क्या करोगे, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है, वो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये याद रख लीजिएगा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, तो ये होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो आपकी जो n जो i है उसमें प्लस 1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपको मिडिल टर्म पता चल जाएगा कि मिडिल टर्म कौन सा होगा, बात समझ में आ रही है। तो चलिए यही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आई है, 31 आई है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे बेटा, मिडिल टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, n इज इक्वल टू 31 रखेंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 कर लिया, डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 कर लिया, फाइनली 31 प्लस 1 कितना होता है, 32 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली इट विल बिकम 16, यानी जो 16th टर्म होगा बेटा, कौन सा टर्म बेटा, जो 16th टर्म होगा, 16वां टर्म होगा, वो क्या होगा आपका, इस एपी का मिडिल टर्म होगा, इस एपी का क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, तो ये लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर 16th टर्म, 16वां टर्म, 16th टर्म इज द मिडिल टर्म, 16th टर्म इज द मिडिल टर्म, बात समझ में आ गई। अब यहीं पे बात ये खत्म नहीं हो रही है बेटा, अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, अब ये 16th टर्म क्या है हमारा, 16वां टर्म क्या है, ये मिडिल टर्म है, बट उस 16वें टर्म की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना पड़ेगा हमें, तो उसको कैसे निकालते, तो आप सभी को पता है, जब 16th टर्म की वैल्यू निकालने के लिए आपको TN वाली फॉर्मूला याद रखिए, T16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जो TN का फॉर्मूला होता है उससे क्या निकालते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म या किसी भी टर्म की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, तो जो nth वाली यानी TN वाला फॉर्मूला होता है ये a + n - 1 * d, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेंगे, उस 16th टर्म जो कि मिडिल टर्म हमारा आ रहा है उसकी वैल्यू भी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी T16 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यानी n की जगह हमें क्या लेना है, 16 लेना है, तो ये हो जाएगा a + 16 - 1 * d करेंगे। अब a और d की आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, हमने ऑलरेडी यहां पे क्या दे रखी है, a और d की वैल्यू दे रखी है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, a और d की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आपको पता है कि a की वैल्यू क्या थी, तो बेटा a की वैल्यू 6 थी, और 16 - 1 कितना होता है बेटा, 15 होता है, और d की वैल्यू क्या आई थी बेटा, तो d की वैल्यू हमारी आई थी बेटा 7 आई थी, कितनी आई थी 7 आई थी, तो यहां हमने 7 रख लिया। अब सिंपली इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो 6 लिखा, ये देखो क्या हो जाएगा, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 105 होता है, कितना होता है बेटा, 15 7 105 होता है। अब इनको दोनों को आपस में ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 111 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या आ गई, ये जो मिडिल टर्म था बेटा, जो 16th टर्म, जो 16वां टर्म था, जो मिडिल टर्म था, उसकी वैल्यू आ गई, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, 111 होगी। तो आपको एज ए ऑप्शन आपको जहां भी अगर मिडिल टर्म की वैल्यू 111 दिखती है, आप उस पर बिल्कुल टिक लगा दो, आपके आंसर 100% एग्जैक्ट एंड करेक्ट होंगे। होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी, तब तक के लिए बाय।